अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से की मुलाकात। खबर दिल्ली से है, जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की। खेल मंत्री ने पहलवानों को धनखत करने को कहा। पहलवानों को वापस कैंप में जाने को कहा गया। आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की है। WFI दोपहर तक खेल मंत्रालय को जवाब सौंपेगा। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 24 घंटे में जवाब मांगा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर बैठक की है और वहां पर खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें घर वापस जाने को कहा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की है। खेल मंत्री ने पहलवानों को धरना खत्म करने को कहा। पहलवानों को वापस कैंप में जाने को कहा गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगी। सुहानी, देखा जाए लगातार पहलवान वहां पर धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें घर वापस जाने को कहा है। जी जी नंदिनी, आपको बता दें कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उन पे पहलवानों ने गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया है। और ये जो मामला है वो 18 जनवरी से जो जंतर मंतर पे जो 30 पहलवान हैं, जैसे कि साक्षी मलिक हो गए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत 30 पहलवान वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है और हमें यौन शोषण का भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसे देखते हुए अब खेल मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जब पहलवानों ने आरोप गंभीर आरोप लगाया तभी से सरकार उस पर कार्रवाई की और उसके बाद WFI को नोटिस दिया और उन्होंने 72 घंटे के अंदर इस पर जल्द से जल्द इस पर फैसला मांगा, उन्होंने जवाब भी मांगा है। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम हमेशा खिलाड़ियों के लिए लगे रहते हैं और हम ये जो आरोप है बहुत ही गंभीर है और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी हमारे देश के एक शान होते हैं और जो कुश्ती जो रेसलर हैं वो कहीं ना कहीं एक हमारे देश के सबसे बड़े शान हैं और उनके लिए हम जल्द से जल्द इस पर जवाब मांगेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक WFI के फेडरेशन अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आश्वासन से सिर्फ वो संतोष नहीं है, खिलाड़ियों ने ये कहा है। जी जी नंदिनी, आपको बता दें कि जो पहलवान है साक्षी मलिक हो गई या विगेश फोगाट हो गया या बजरंग पुनिया, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दे, तो वहीं विपक्षों का भी यही कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक, क्योंकि ये जो यौन शोषण का उन पर आरोप लगा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर आरोप है। और ये बता दिया जाए कि ये बहुत ही अच्छा सुनने में भी ये लग रहा है कि जो हमारे देश के ये जो एक गोल्ड मेडल लाते हैं और हमारे की देश के शान है, उनको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आरोप बहुत ही एक निंदनीय है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। और वही वहाँ के जो पहलवानों हैं और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है, उन पर कार्रवाई नहीं होता है, तब तक हम ये जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, हमारे फैसले को सुनना चाहिए, क्योंकि हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी ये पक्ष रख रहे हैं। जी सुहानी, देखा जाए तो खिलाड़ियों ने ये भी कहा है कि FIR दर्ज करवाएंगे फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन भी दिया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी 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 नंदिनी, आपको बता दें कि विपक्ष जितने भी हैं उनको BJP पे एक एक निशाना आने को मिल गया है और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह भी, उन्होंने भी कहा है कि ये अगर मामला सच साबित होता है तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी तमाम जो है जवाबदेही आ रहा है, तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे गंभीर इस आरोप को गंभीर ले रही है, उस पर कार्रवाई करेगी। और देखा जब साफ तौर पर अनुराग ठाकुर आज उन्होंने कहा कि आज हम बैठक करेंगे और इसे तमाम इस मामले पर हम देखेंगे और पूरे गंभीर रूप से इस पे कार्रवाई करने के लिए भी मांग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज हम खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और उनके बातों को सुनेंगे और उन पे हम उसके बाद उस पे देखेंगे। और WFI से जवाब भी उन्होंने नोटिस दिया और उनसे 72 घंटों के अंदर इस पे जवाब मांगा है। तो देखा जाए कि आज अनुराग ठाकुर मिलते हैं तो इस पे क्या आगे की कार्रवाई होती है, क्या फैसला आता है।
सुहानी, क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह आज इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर ये सारे आरोप सही होते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्या लगता है आज इस्तीफा दे देंगे? जी जी नंदनी, आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि यौन शोषण के जो आरोप मेरे पर लगा वो सही है तो मैं फांसी पर लटकने के तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं आज इसी के लिए अनुराग, जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो आज खिलाड़ियों से मिले, मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी सच्चाई होगा, तमाम खिलाड़ियों से बात करेंगे, जो सच्चाई होगा वो सामने आएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं, और वो बीजेपी के सांसद भी हैं तो इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बीजेपी सरकार भी इस पे गंभीर रूप से इस पे कार्रवाई करेगी और देखेगी आखिर मामला क्या है और उसके उस मामले तक तह तक जाएगी और उस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। तो देखते हैं कि आज आखिर क्या फैसला आएगा। साफ तौर पर ब्रजभूषण सिंह भी, उनका कहना है कि अगर ये मामला सही साबित होता है तो मैं अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा और साथ ही मैं फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूँ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। जहां सपा विधायक और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ी, 50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित होगी जब्तीकरण की कार्यवाही, खबर कानपुर से सामने आ रही है जहां लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक इरफान की हाईकोर्ट में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वीआईपी रोड पर 6 अपार्टमेंट और 1 अपार्टमेंट होगा जब्त। कानपुर में सपा विधायक और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ी, 50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित होगी जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है जहां पर लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधायक इरफान की हाईकोर्ट में जमानत अर्जी खारिज। वीआईपी रोड पर 6 अपार्टमेंट और 1 अपार्टमेंट होगा जब्त। कानपुर में सपा विधायक और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ी, 50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित होगी और जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। विधायक इरफान की हाईकोर्ट जमानत में आज अर्जी को खारिज कर दिया गया है। खबर कानपुर से है जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित होगी और जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखा जाए लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। मामले में करके अभी जेल के अंदर लगभग 3 महीने से है। इससे पहले मैंने देखा है कि जो इरफान सोलंकी जो है उनके लिए अगर लोवर और स्टेशन की जो बेल थी वो बेल जो थी खारिज थी, उसको देखा है तो उनका जो अधिवक्ता जो है उनसे उन्होंने हाईकोर्ट में अपील डाली है। देखा जा रहा है हाईकोर्ट से उनको जो है वो खारिज हो चुकी है और इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। देखा जाए इरफान के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदारों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की बात कही जा रही है। उपेंद्र, देखा जाए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, क्या लगता है और कितनी मुश्किलें आ सकती है इरफान सोलंकी पर? अगर देखा जाए तो इरफान सोलंकी सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो जो उन्होंने जो फर्जी नागरिकता जो बांग्लादेश की थी उसे फर्जी निजाम से ट्रेवल किया था वो देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इसको लेकर देखा जाए इरफान सोलंकी कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलने वाली है और उसके ऊपर लगता है लगातार जो चुकंदा भरा जा रहा है और वही जो इस पार्टी के जनता मिश्र जहाँ के मिश्रा आनंद प्रकाश तिवारी है उनका साफ कहना है की जो अपील जो है वो पूरी अपील जो है लोगों से अपील कर दी है। एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और उसमें देखा जा रहा है जो लोग अभी गिरफ्तारी नहीं है उसी गिरफ्तारी को लेकर के जो है ये लोग जानकारी दें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र।
श्रावस्ती में पुलिस कर्मियों पर एसपी ने की बड़ी कार्यवाही। खबर श्रावस्ती से है, सिपाही सूर्या प्रवीण पांडे समेत कई पर कार्यवाही की गई। खबर श्रावस्ती से, जहां मलहीपुर थाने में तैनात 4 पुलिस कर्मियों को हुए लाइन हाजिर किया गया। पुलिस कर्मियों पर बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों की पिटाई का आरोप। खबर श्रावस्ती से है, जहां 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, ऋण वसूली करने गए मैनेजर व एजेंट से हुआ था विवाद। सीओ की जांच में आरोप सही पाए जाने पर हुई कार्यवाही। प्रयागराज में बाहुबली रमाकांत यादव की सशस्त्र जमानत मंजूर। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। याची को जमानत पर लिया गया था, किया गया था रिहा। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही, जहां पर रमाकांत यादव की जमानत रिहा मंजूर कर ली गई। कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। 25 जुलाई 2022 से जेल में बंद है बाहुबली विधायक। लखनऊ में हरदोई मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। खबर लखनऊ से है, जहां हरदोई मार्ग पर भीषण हादसा हुआ। हादसे में कार डीसीएम आपस में भिड़ी है। बता दें, हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे लोग। घायलों को सीएससी कछौना में कराया गया है भर्ती। हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, कटियामऊ क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।